चटोरी गली में, और मुझे सुना कि यहाँ पे जापानीज, मैक्सिकन, कोरियन बहुत तरह का फूड आया हुआ है, तो हमसे रहा नहीं गया, जस्ट अभी अभी इन्होंने लॉन्च किया, तो मैं कहा चलो पहुँचती हूँ, देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे पता चला जो ये सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं शेफ साहब हैं, जो कि कहाँ से आपने पढ़ाई की है सारा कुछ, एक बार अपना इंट्रो दे दीजिए फटाफट, बात करते करते और बनाते बनाते। मैं अपना बीएससी डिग्री कंप्लीट किया हूँ IHM शिमला से। हाँ, तो ये वहाँ से अपनी ट्रेनिंग ITC से किया था। करेंटली मैं डोमिनोज में मैनेजर था यहाँ पे सिंगापुर मॉल के पास। हाँ, उसके बाद से फिर मैंने स्टॉल का काम, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ इश्यूज आ रहे थे पोस्टिंग वगैरह को लेके, तो फिर उसके बाद मैंने अपना एक कार्ड स्टार्ट किया और लोगों को कोरियन फूड, जापानीज, और बहुत बार मैंने देखा कि सुशी को लोग बोलते हैं कि कोरियन है या जापानीज है, क्या नहीं फूड है मैम, कोरियन में कुछ किमची वगैरह आते हैं मोस्टली, वहाँ स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं। अच्छा, जापानीज जो है वहाँ पे लोग थोड़ा सा माइल्ड फूड यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग सुशी आते हैं। तो इनके मेन्यू में मैं एक चीज बहुत अच्छी देख रही थी कि इन्होंने, अगर आपको इस सब चीजों के बारे में भी नहीं पता, इस फूड के बारे में भी नहीं पता, तो इन्होंने पूरा लिखा हुआ है। उसके पहले सुशी बना रहे, एक बार पूछ लेते हैं कैसे तैयार होता है। ये क्या क्या है? ये नोरी शीट है मैम, ऑथेंटिक वन जो होती है, जो नॉनवेज वाली, वो फिश का जो अपर लेयर होता है उससे प्रिपेयर होता है, और जो आपने है ये वेजिटेबल से बनी हुई है, और ये प्योर वेज है, यहाँ पे आपको मिलेगा, नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा ये राइस रहता है, राइस के बारे में भी कुछ बता रहे थे कि ये आपका जो राइस है क्या स्पेशल आप बता रहे थे। राइस है मैम वहीं से, मतलब कोरिया में बनता है, वहाँ पे प्रोडक्शन इसकी होती है, वहाँ से ये यहाँ पे पहुँचाते हैं, और ये एक तरीके का चावल ही होता है। तो मैं भाई पहली या दूसरी बार खा रही हूँ, पर मेरा जो पहली बार का एक्सपीरियंस था बहुत बेकार था, मुझे उतना खास नहीं लगा था, पर आज हम खा के देखेंगे और हम आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट मतलब कैसा है। और उसके अलावा भी ये राइस पूरा इस पे पेपर पर लगा देते हैं, अभी इसके बाद सारी ये बिल्कुल बराबर कर देंगे इसे। तो जो लोगों ने अभी तक नहीं ट्राई करा है तो वो ये देख भी लें, और ये बनता है कैसे मैं ये भी दिखा रही हूँ आपको, और वो भी मैं चटोरी गली में हूँ। हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पे, जब मैं हमेशा बोलती रहती हूँ चटोरी गली में हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करते लोग, पर यहाँ पे आपको ये देखने को भी मिल जाएगा। और उसके अलावा क्या डालेंगे अभी? मोस्टली इसी का रोल होता है मैम जापानीज फूड में, रोस्टेड सीस में ऑयल भी बहुत यूज होता है यहाँ पे, हमारे यहाँ इसको तिल्ली तिल बोलते हैं, बहुत अच्छा जो भूंजा और रोस्टेड होता है उसको करने के बाद में। इसमें जो राइस होगा वो अपर लेयर पे होगा। अच्छा, हाँ जी, ये सूची नहीं, इसको हाँ, क्या बोलते हैं? ये कैलिफोर्निया डोल, कैलिफोर्निया बना रहे हैं। अच्छा, तभी वो रेड कलर का आता है, मैं पूछ रही थी ये रेड कलर कैसे आएगा, तो ये देखिए इससे आएगा, इसे खाते हैं। ये सिर्फ नहीं नहीं है, ये हाँ, प्लास्टिक है, ये अपने ऐसे निकाल के खाएंगे? नहीं नहीं, नहीं। हाँ, इसको मैं कवर के लिए, उसके ये जो अपर पार्ट में वो चिपके ना हमारे मैट। अच्छा, उसके लिए लगाते हैं। ये देखिए उसमें चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए कैसे तैयार कर रहे हैं, मुझे लगा है इसमें जाके चिपक जाएगा, हम खाएंगे कैसे, पर ये देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं पहली बार देख रही हूँ लखनऊ में, मैंने इस तरह का अभी तक तो नहीं देखा है, जहाँ जहाँ पे भी मैं गई हूँ ब्लॉग्स के लिए, लोगों को जहाँ जहाँ का खाना दिखाया है, उसको रोल कर दिया है अच्छे से। लगा काफी मेहनत का काम है ये, तो ये देखो इसके ऊपर वेजीज लगाएंगे आप सारी। और ये तैयार कर रहे हैं कैलिफोर्निया रोल है, ये देखिए, और इसके ऊपर सारी वेजीज लगा दी। अभी तक जो मैं वीडियोस में देख रही थी कि वो उस साइड में जहाँ पे राइस होता था वहाँ पे लगा रहे थे, पर इसको अभी ना बिल्कुल पलट के लगाया है। जितने भी
इसमें ऑयल का ज्यादा यूज होता है, ये ऑयल रहता है, इसको क्या बोलते हैं वैसे? ये वाली मैम सीड्स ऑयल नहीं, सीस्मे ऑयल मैम, तिल का सीस्मे ऑयल, हाँ तिल का ऑयल एक तरीके से उसको बोलेंगे, तिल का तेल। और ये देखो तैयार हो रहा है, इसके बाद उसके बाद बन गया, उसके बाद तो नहीं, आप चलो फिर इसी का पेमेंट ले लो, बस सो ही गया वो भी मैम, जब तक खाएंगे तब तक में आ जाएगा। इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बस इस वाले को बनने में टाइम लगता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है वैसे प्रोसेस की, या मेरे अब इसको फोल्ड कर देंगे, तो आपका पेमेंट कर देना, लेट भी कहाँ इधर है, इस पे लगाऊंगा। ये पूरा रोल ऐसे बना दिया है और 100 मार्क और चावल की लेयर है, जो वो रेड कैवियर, अच्छा ये रेड कलर में नहीं आएगा क्योंकि ये फिश की लेयरिंग रहती है, ये जो जैसी आ रही है ये तैयार हो गई, थोड़ा फट गया है मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं वो ऊपर वाला चावल है तो थोड़ा सा स्टिकी राइस होता है इस वजह से, और इसमें पीसेस रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसका प्राइस है 170 रुपीज़। अभी यहाँ पे सॉसेस लगाएंगे और कुछ, इसको क्या बोलते हैं भैया, किमची मैम, किमची है ये जो सारी वेजीज को मिक्स करके बनाते हैं पहले से, फर्मेंटेड होता है वो, तो आपको ये चटोरी गली में यहाँ पे मिल जाएगा जैसे ही आप आएंगे, वुड फायर पिज़्ज़ा उसके जस्ट बगल में, ये दिखा देंगे जापानीज़ फूड, जब तक वो तैयार करेंगे हमें मैक्सिमम जापानीज़, कोरियन, थाई हर तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं, और शेफ अतुल्य सिंह और विराज सिंह जो यहाँ पे हैं और ये सारी चीज़ें तैयार करते हैं। और ये देख लीजिए, उन्होंने एक डेमो भी लगाया हुआ है, ये सुशी का है और ये राइस पेपर रोल है और ये टाकोस, टाको नहीं, ये बीच में जो है बस वो ऐसे ही, मतलब उसके लिए क्या, और यहाँ पे और भी चीज़ें देखो, ये ऐसे ही इन्हें तैयार करते हैं, और किमची के साथ में अब सॉसेस जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं वैसे, चिली ऑयल होता है ये खुद से आप तैयार करते हैं, ओके सारा खेल तो सॉसेस का होता है कोरियन में, और ये स्पेशल यहाँ के वसाबी बोलते हैं, और इसे स्मोक चिली सॉस है, ये स्वीट मस्टर्ड सॉस, यानी तीन तरह की सॉसेस इन्होंने दी है, उसके अलावा वहाँ पे ये रेडी हो गया है, ये तैयार है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया रोल, ये देखिए बनके तैयार हो गया।